अब शुरू करते हैं मेरी स्टोरी। तो जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आई थिंक सितंबर का मंथ था, सितंबर की एंडिंग थी शायद। तो मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म देखा मैंने कहा ओ ये स्कॉलरशिप मुझे अच्छी लगी, पर थोड़ा था क्योंकि इंडिया में इतने सारे धोखाधड़ी के केस मैंने देखे। जैसे मैं पंजाब से तो मैं कैनेडा में जाने वाले लोग इतने ज़्यादा है ना, इतने ज़्यादा पूछो मत। पर ना वहाँ पे मतलब पैसे ले लेते हैं पर कहीं जा नहीं पाते, इसीलिए ना मन में था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। एम्बेसी के लिए ना डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी, एम्बेसी ट्रैक से मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से सोचा कि करूँगी, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ को ना ईमेल करने शुरू किए। जैसे जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो यूनिवर्सिटी के नेम और उनके साथ GKS मतलब कोऑर्डिनेटर्स के ईमेल आईडी होती है, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने सबको मेल करना शुरू किया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ना डेडलाइन हो चुकी थी, मैं इतनी लेट हो गई थी। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़, दो तीन यूनिवर्सिटीज़ देखी, उसमें अपना मेजर ढूंढने में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में ही काम करना है, हॉस्पिटल से रिलेटेड मुझे मेजर चाहिए। तो ये क्वेश्चन रह गया, मैंने प्लस टू मेडिकल से की है, ये मैं भूल गई थी, सॉरी। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट यूनिवर्सिटीज़ को देखती जहाँ मेरा मेजर मैच हो रहा है, उनको मैसेज किया। तो ये यूनिवर्सिटी थी, इसने मुझे सबसे पहले मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप पहले ऐसा करो मुझे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज दो, बाद में ऑफलाइन आप भेज देना। तो फिर इसीलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, फ़ोटो स्टेट का भी इधर जाओ। फिर उस टाइम नोटराइज्ड होने थे डॉक्यूमेंट्स, तो नोटराइज़ करवाओ, ये करवाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए मैंने। तो जब डॉक्यूमेंट्स में प्रिपेयर कर रही थी ना, तब अपोस्टाइल का कुछ ऐसा था ही नहीं, मुझे सुनने में आया था अपोस्टाइल का, पर ना मैंने इनसे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं, नोटराइज ही भेज दो। तो नोटराइज तो जल्दी हो गई थी मेरी, तो एक फोटोकॉपी होती है ना, अपोस्टाइल ओरिजिनल में होती है लेकिन नोटराइज जो होती है वो फोटोकॉपी पे होती है। तो उसके तो मेरे 20 रुपये ही लगे थे सच्ची बताओ, तो एक नोटराइजेशन के 20 रुपये हर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर मैंने करवाए थे। नोटराइज का मतलब होता है कि ये जो फोटोकॉपी है ये नकली नहीं है, असली है। इसीलिए मेरी आईब्रोज कितनी मूव करती है ना। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी को भेज दिए, फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। यूनिवर्सिटी ट्रैक से मतलब फर्स्ट राउंड निकल गया, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड इंटरव्यू होना था, सेकंड राउंड से पहले इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद फिर मेरा रिजल्ट आया, फिर सेकेंड राउंड क्लियर हो गया। फिर मैं सोचा वाह सेकेंड राउंड क्लियर हो गया तो अब मुझे पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, अब थोड़ी सी उम्मीद कायम है। वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद ने मेडिकल सब जगह करवाया, मेडिकल उनको फिर भेजा। तो फिर फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम था। तब जब मेडिकल हो रहा था तब मैंने अपने घर वालों को बताया, उससे पहले मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये स्कॉलरशिप ऐसी है, ये फुली फंडेड है। वो विश्वास नहीं कर रहे थे पर कहते ओके जो तुझे करना कर। तो फिर उन्होंने मेरे बस पूरा साथ दिया, जहाँ भी मुझे जाना था मुझे लेके गए मेडिकल करवाने के लिए। मेडिकल के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आया GK स्कॉलरशिप का। तो उसमें पहले तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया मेरी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने कहा यार ये शायद झूठ होगा। तो फिर मैंने ना वो साइट पर जाके चेक किया कि कहीं मेरा नाम है, तो मैंने देखा तो मेरा नाम था। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया क्योंकि मेरी मम्मा जो थी वो मेरी नानी मम्मा के घर थी, तो नानी मम्मा के घर पे मैंने फ़ोन किया, मैंने बताया मम्मा मेरा रिज़ल्ट आ गया, ये स्कॉलरशिप में मैं निकल गई। और मेरे पापा जो थे वो ऑफिस में थे, वहाँ पे भी बताया। तो मैंने बताया, पर जब ये रिज़ल्ट आया था तब मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी और रोना भी आ रहा था, तो मैं रोई भी और हंसी भी, इतना हो गया था। उसके बाद पर मुझे टेंशन हो गई थी क्योंकि फिर हमारी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो थी देगु यूनिवर्सिटी, जो उनके कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हम सबका ग्रुप बनाया, मतलब जितने भी देगु यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सीखने आने वाले थे सभी GK स्कॉलर का ग्रुप बनाया। और फिर जब और इंडियंस का अलग ग्रुप बनाया, तो इसके थ्रू मैं फिर संदीप और रोहित भैया से वहाँ पर भी मिल, वहाँ से बात हमारी शुरू हुई।
तो तब वो ना पासपोर्ट का मांग रहे थे कि हमें आपकी फ़्लाइट टिकट करनी है और ऐसा ऐसा। मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, सच्ची बताऊँ इतना टाइम लग रहा था। मतलब अभी मेडिकल है, 10 दिन में पासपोर्ट नहीं बनता। मैंने स्लो प्रोसेस से किया था, स्पीड प्रोसेस से नहीं किया था। मैं जो पासपोर्ट वालों को मैसेज कर करके पागल कर दिया, सर मेरा मैसेज मेरे प्लीज़ भेज दो, मुझे ज़रूरत है ऐसे ऐसे। मेरी इतनी ईमेल है ना, एक्चुअली मैंने कहा क्वेश्चन करने में क्या, मैं सबको ईमेल करती थी एक्चुअली। इतने लोगों को मैंने ईमेल किया है ना, दिग यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर सर को बोला कि सर मेरा तो अभी पासपोर्ट है नहीं, थोड़ा टाइम रुक सकते हो? तो उन्होंने कहा ओके, आप बाद में थोड़ा दे देना, थोड़ी सी पर इतनी ज़्यादा नहीं तो दिक्कत होगी, आप अगले बैच में आ जाना। मैंने कहा नहीं, तो मैं सब जगह जा जा के अपने पापा के साथ कह रही थी कि मेरा पासपोर्ट जल्दी कर दो, रेडी कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बट 15 डेज में फिर मेरा हो गया, 15 डेज में मेरा पासपोर्ट आ गया। आई थिंक दिसंबर के 3rd वीक में मेरा पासपोर्ट आ गया। मैंने उनको सेंड कर दिया पासपोर्ट, और उसके बाद ये होगी पासपोर्ट की टेंशन ख़त्म। फिर अब आ गई वीज़ा, उससे पहले मेडिकल, मेडिकल भी पर्टिकुलर जगह से करवाना था। तो थैंक गॉड वो जगह लुधियाना में ही थी, तो मैंने लुधियाना में ही वीज़ा का वो सारा मेडिकल करवा लिया, वो टीबी वगैरह कुछ था। फिर वीज़ा हम 3 लोग जो इंडिया से थे, हम तीनों ने फिर एक साथ ही वीज़ा का फॉर्म सबमिट किया था। और फिर 10 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया, और जब वीज़ा आया ना तब मेरी फैमिली को यकीन हो गया कि हाँ हमारी लड़की बाहर जा रही है। तब उन्होंने बोला कि अब हमें बताओ कि एक्चुअल में ये स्कॉलरशिप है क्या। मुझे तब उनको बताया कि ये मेरी स्कॉलरशिप है, तो मुझे शायद लगा था कि शायद ये रोकेंगे, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बाहर जाके सब, मतलब उनको पता है कि बाहर जाके कितना अकेलापन होता है, हमारे बच्चे उतना सह नहीं पाएंगे। मुझे पता है सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, पर बाहर सच्ची बहुत अकेलापन है। तो पर मेरे मम्मा पापा कहते हैं ठीक है जा। मुझे लगा शायद मुझे थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी उनको मनाने के लिए, पर वो तो पहले से ही माने हुए थे। तो फिर मेरा वीज़ा के बाद आई थिंक वीज़ा आया, मैंने उन अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर सर को वीज़ा भेजा हम सब ने। तो 15 डेज के अंदर हमारी फ़्लाइट टिकट आ गई। अब मुझे करनी थी शॉपिंग। अब मैं सोची जाऊँ कि मैं लूँ क्या, कोविड का टाइम है, सारी दुकानें बंद हैं, मतलब तैयारी करने में सच में बहुत टाइम लगता। मुझे बैग खरीदना था और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी। तो फिर किसी तरह हो गया भगवान की कृपा से। तैयारी करते करते मेरी मम्मा रोना स्टार्ट हो गया कि मेरी लड़की जा रही है। तब मेरे मन में था, मैं बिल्कुल नहीं रोई, मैं इतनी बिजी थी ना, मैं अपने पैकिंग कर रही थी, ये सामान ला रही थी, वो सामान ला रही थी। तो पर मेरी मम्मा रो रहे थे, मेरे पापा बहुत खुश थे। फिर फ्लाइट के जब फ्लाइट जिस दिन थी, मैं और संदीप एक साथ आए थे, क्योंकि संदीप और मैं एक ही जगह से हैं, हम दोनों पंजाब से ही हैं। तो हम दोनों इकट्ठे आए, फिर एयरपोर्ट पे रोहित भैया भी मिल गए हम तीनों। तो 3 लोग थे और पेरेंट्स भी थे, तीन, मतलब इतना सैड मोमेंट हो गया था ना, फिर भी मैं इतनी खुश होके जा रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आंसू को ऐसे डब्बा भी नहीं गिर, एक ड्रॉप भी नहीं है, मतलब गिरी। मैं बड़ी खुश होके फ्लाइट में बैठी, बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी, फर्स्ट टाइम मैं इतनी दूर जा रही थी ना। उसके बाद फिर वहाँ हमारी फ़्लाइट जो थी वो पहले दुबई जानी थी, 4 साढ़े 4 घंटे की पहले दुबई तक की थी। फिर दुबई से 10 घंटे की शायद फ़्लाइट यहाँ साउथ कोरिया तक की थी। उसमें हम डेड हो गए थे, डेड। ये थी मेरी पूरी स्टोरी और मेरी ये इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मैं इससे ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहती, तो आई होप आप लोग समझो। और बस इतना ही बोलना था, और आई विश कि कोई मेरे लुक्स पे कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कई गर्ल्स कह रही थी दीदी आप मेकअप नहीं करते। एक्चुअली सच बताऊँ मुझे मेकअप करना आता नहीं है, नहीं आता है, क्या करूँ अब, कभी इंडिया में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर यहाँ लोग इतने ज़्यादा होते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, ठीक है? इस वीडियो का जो है, मुझे लगता है कंटेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि मेरे लुक्स। तो मेरे लुक्स पे प्लीज़ कमेंट मत करना, मुझे हॉट होता है।
बस इतना ही कहना था। ओके अब इससे ज़्यादा मेरे पर्सनल चीज़ों पे कोई क्वेश्चन नहीं। ओके बाय, कोविड से बच के रहो, हमेशा मास्क पहन के रखो।